नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में निराला की कविता जूही की कली हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। जूही की कली कवित छंद में रची एक प्रणय कविता है। इस कविता को 1916 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस लौटा दी थी। किसने वापस लौटा दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस लौटा दी थी। यह कविता सर्वप्रथम मतवाला के 18वें अंक में प्रकाशित हुई थी और विशेष बात यह है कि पहली बार निराला उपनाम के साथ यह कविता प्रकाशित हुई थी। इससे पहले अनामिका में 1923 ईस्वी में फिर गंगा पुस्तक माला के 100वें पृष्ठ के रूप में प्रकाशित परिमल 1929 ईस्वी में संग्रहित किया गया। परिमल में भी इसे संग्रहित किया गया। जूही की कली में प्रकृति प्रिया जूही के संग पवन पुरुष का संसर्ग चित्रित किया गया है। यह चित्रण द्विवेदी युग में उस समय वस्तु गठन से रूप सज्जा तक इस कदर नया था कि खरी बोली कविता के तत्कालीन परिसर में मानो भूचाल सा आ गया था। इस कविता का प्रकाशन काव्य के क्षितिज पर एक नए सूर्य के अवतरण की घटना थी, जिसने अपना नाम सृज कुमार तिवारी से बदलकर सूर्यकांत त्रिपाठी कर लिया था। नए बनते हुए राष्ट्र के गठन के लिहाज से सोचिए या आज़ादी के बढ़ते जा रहे आंदोलन के तरफ से देखें या एक नई जातीय भाषा को उसका रूपाकार देने की कोशिश की तरफ से देखिए तो निराला की कविताएं एक नए भाव बोध के साथ उपस्थित होती है। जहां कवि अपनी आँख से दुनिया देखने से अर्जित आत्मविश्वास की बदौलत अपने मध्यकालीन वैष्णववादी संस्कार विचार से लगातार उलझता चला गया है, अपनी आँख से दुनिया देखने का यह काम आधुनिक भाव बोध की तरफ से आया है। तब आधुनिकता के अस्पष्ट रूप में सामने थीसिस नहीं थी, लेकिन कवि निराला ने कविता में जो थीसिस दी है उसमें प्रकृति प्रेम संस्कृति संघर्ष को नया अर्थ प्राप्त हुआ है। यह आधुनिकता ही थी। जूही की कली एक प्रेम कविता है। निराला के प्रेम गीतों को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि प्रकृति को जीवन को स्त्री पुरुष संबंध को सृष्टि क्रम को निराला किस तरह समझते हैं। कविता के पाठ और व्याख्या में आगे पढ़ने से पहले यहाँ हम दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक यह कि निराला के काव्य संसार में अंधकार की प्राप्ति का एक विशेष अर्थ है। दूसरी बात यह कि मुक्ति का प्रश्न केवल भाषा जाति और राष्ट्र के साथ ही नहीं है, वह प्रेम के साथ भी है, प्रणय के मामले में भी है। प्रेम की तृप्ति दोष को समझने के लिए निराला के यहाँ उस अंधकार की शिकायत करनी चाहिए जो समुचे प्रकृति की आत्मा में धरती से आसमान तक भर गया है। इस अंधकार से मुक्ति का रास्ता दी गई कविता में स्त्री पुरुष समागम के खेल से होकर जाता है। यह याद रखने की बात है कि निराला के लेखे स्त्री साक्षात प्रकृति है। रूप से बढ़कर रस की गंध को स्त्रोत्स्विनी और स्त्री निराला की दार्शनिक मन में कहीं माया के अपरूप की तरह भी है। चैतन्य की सतह पर वे स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। आइए जूही की कली काव्य की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। हेग बंद किए शिथिल पत्रांक में
वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमलिनी गात, फिर आया पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कंजल लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन, वह नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे ही डोल, इस पर भी जागा नहीं, चोक क्षमा मांगी नहीं निद्रालन बंकिम, विशाल नेत्र मुदे नहीं किवा मतवाली थी यौवन की मदुरा पिए, कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निश्वाई की झोंकों की झारियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल चौक परी युवती चकित चितवन निजारो ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नममुख हंसी खिली खेल संग प्यारे संग। इस प्रकार से निराला की कविता की कुछ पंक्तियाँ को हमने देखा। अब आइए कविता की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, सोती हुई जूही से पवन की झकझोर डालने वाली मुलाकात का क्या मतलब है। कविता यहाँ से शुरू होती है कि कोमलांगी तरुणी जूही निविर बन के एकांत में बल्लरी के पत्रों की गोद में आँख मुदकर सोई हुई है। बल्लरी मानो वह जो लपेट कर पढ़ता है, बसंत की रात थी उसका प्रिय मलय पवन अपनी प्रिया से दूर किसी दूर देश में था, उसे प्रिय मिलन की मधुर बात और चांदनी की धुली हुई रात और प्रियतमा की देह का कमनीय कंपन याद हो आया, फिर क्या था, वह हरबर तरबर चल पड़ा, जंगल पहाड़ सर सरिता नदी कुंज पार करता हुआ वह वहीं पहुंच गया जहां संग खिली कली सो रही थी। बल्लरी ने हिडोला की तरह झूमकर स्वागत किया, पूछा कि अचानक इस आगमन का प्रयोजन, नायक ने कपोल चूम लिए लेकिन जूही कली सोई ही रही, न जागी न कोई क्षमा याचना किया, नींद में डूबे हुए सुंदर नेत्रों को बंद किए रही मानो यौवन के मद में डूबी हुई है। नायक निर्दयी ठहरा, निष्ठुरता करते हुए उसने अपने झोंके को की झाड़ियों से जूही की सुकुमार देह को झकझोर डाला, उसके कपोल मशल दिए तो युवक की चौक पड़ी, उसने चारों ओर देखा और सेज पर प्रिय को पाकर हंस पड़ी, खिल उठी खेल रंग प्यारे संग। इस कविता में वस्तुनिष्ठ समसामयिक पदावली में जो कहा गया है वह संक्षेप में यही है कि हमने यहाँ विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए थोड़ा सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। ध्यान दीजिए, निराला कह रहे हैं कली खिली साथ, यह जो निर्दयता है यह जो निष्ठुरता है इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसी को कहते हैं कि अगर इरादा नेक हो तो कोई भी बात कही जा सकती है। यह जो झकझोर है इस झकझोर को चित्रित करने का साहस उल्लेखनीय है, मसल डालने की अफनाहट ख्याल में भी अधिक रहती है। जामिनी स्थितियाँ वास्तव में वैसी लुप्त नहीं होती जैसे जूही को दिखाया गया है। यह सुप्ति न मात्र सोने के अर्थ में है न यह किसी स्त्री मात्र की बात है, विशेष बात यह है कि यहाँ सुप्ति में सांस्कृतिक शयन भी शामिल है। तो इस प्रकार से निराला की कविता की व्याख्या पूर्ण हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।